और अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है तो इसे क्वेश्चन 101% पूछा ही पूछा जाता है। स्लेटर्स रूल के बेसिस पर आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा जाता है। बुक में आपको क्या मिलेगा? अंदर से बाहर की तरफ। मैं आपको क्या तरीका बताऊंगा? बाहर से अंदर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक का किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम हुआ है और अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन 101% पूछा ही पूछा जाता है। स्लेटर्स रूल के बेसिस पर आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा जाता है। अब ज्यादातर वीडियोज में आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली स्लेटर्स रूल के ऊपर डायरेक्टली हमारा कि ये फार्मूला है, ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है और हमने जो है उसके अंदर क्या निकाल देना, उसका जेड इफेक्टिव निकाल देना है। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको पहले ये बताऊंगा कि हमें जेड इफेक्टिव निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी, हम उसको डायरेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ही क्यों नहीं बोल देते, हम उसको जेड इफेक्टिव ही क्यों बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा पहले सबसे छोटा एटम, जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोजन, उसको मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। हाइड्रोजन आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एक उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक उसके पास प्रोटॉन होता है। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन होगा और उसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हालांकि मैंने पहले भी बताया, अभी ये हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बना लेते हैं, एक्चुअल में जो एटम की स्ट्रक्चर है वो ऐसी नहीं होती है, ये हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए जो है इसको ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है 1s के अंदर, इसको क्या लिखेंगे हमें 1s1, ये डायरेक्ट फोर्स एनकाउंटर कर रहा है इसके साथ, मतलब जो प्रोटॉन और जो न्यूक्लियस सेंटर में है उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। फिर मैं सेकेंड एटम लेता हूं हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2, 1p 1s 2। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है ये सेम सेल के अंदर आया है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस पे साथ के साथ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन भी होगा। थर्ड मैं ले लेता हूं लिथियम, थर्ड 1, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भाई हमारे, तो इसके अंदर क्या है, सॉरी ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, 1s2 2s1, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ये 1s2 हो गया और ये 2s1 हो गया। अब ये जो आउटर में इलेक्ट्रॉन भरा गया है 2s के अंदर, ये उतना फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगा जितना कि 1s करेगा। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इसके चारों तरफ है, तो ये एक प्रकार से इसके चारों तरफ ब्लैंकेट का काम करेगा, मतलब इसको शील्ड कर लेगा, मतलब जो s इलेक्ट्रॉन अंदर वाला जितना स्ट्रॉन्गली इसके द्वारा हेल्ड है, 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इतना स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इनर में इलेक्ट्रॉन आए हैं उस कारण से यहां पर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ शील्ड क्रिएट हो गई है। क्लियर है? उसके बाद भी बेरिलियम ले लो, 4 1s2 2s2, क्लियर है, ये भर दिया, फिर 2p, इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। मान लिया सोडियम आ गया भाई, सोडियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहां पे एक नया शेल आ गया भाई 3s1। अब आप देखोगे 1s ने जैसे कवर किया था, अब 2s ने भी इसके चारों तरफ एक तरह से कवरिंग कर ली है, शील्डिंग कर ली है। क्लियर है? तो 3s की इंटरेक्शन, जितनी इंटरेक्शन 2s कर पा रहा था उतनी इंटरेक्शन कौन नहीं करेगा, अब 3s नहीं करना पड़े कर पाएगा। तो इस वजह से जो कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट ये लेकर के आए भी कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जैसे जैसे मेन शेल बढ़ रहे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और सबसे आउटर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके रास्ते में शील्ड्स आ गई हैं इलेक्ट्रॉन की,
न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा उस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी हो रहा है। तो इस कारण से जितना फोर्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फील कर पाते न्यूक्लियस के टुवार्ड, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इतना नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर दो टाइप के फोर्स हो गए, एक न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा जो उससे अंदर वाला सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे गए वो इलेक्ट्रॉन आउटर वाले को रिपेल कर रहे हैं। तो यहां पे दो तरह के फोर्सेज आ गए। तो इससे क्या हुआ भाई, शुरुआत में क्या सोचा गया था कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम रहना है, कि एक के लिए हम एक लिख देंगे डायरेक्ट, दो के लिए दो लिख देंगे, तीन के लिए तीन लिख देंगे, चार के लिए चार लिख देंगे, लेकिन इस शील्डिंग के कारण ये जो अरेंजमेंट थी ये पूरी की पूरी चेंज हो गई, और साइंटिस्ट को ये सोचना पड़ गया भाई, रिसर्चर को, कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए सेलेक्टर रूल दिया गया था। सेलेक्टर रूल भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा, और साथ में हम पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन या फिर किसी भी टाइप का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर है कैसे करना है? सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूं भाई, केवल फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे हम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने पहले बताया भी, मान लिया अगर हम एनर्जी निकालने लग जाए इलेक्ट्रॉन की, एज वी नो एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाई फार्मूला ई इज इक्वल टू माइनस आर जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये फार्मूला एक्सप्लेन किया था भाई, आर हमारा रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, जेड हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, और एन क्या भाई हमारा नंबर ऑफ शेल है, या कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वन है टू है, जेड को हम उसका एटॉमिक नंबर बोल लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो बट इट नॉट ट्रू फॉर अदर एलिमेंट्स हुज जेड इज ग्रेटर देन वन। लेकिन ये जो फार्मूला है केवल किसके लिए वैलिड है भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम बता चुका हूं, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको हर एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख पाओगे। क्लियर है? लेकिन ये फार्मूला फॉलो नहीं होता, जब हमारा जो जेड है क्या हो जाता है, ग्रेटर देन वन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें अगर हम हीलियम का, आपको पता है हीलियम का जो जेड है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, दो। अगर हम उसके फर्स्ट सेल की बात करें, फर्स्ट सेल में एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर जब हम फार्मूला में पुट करेंगे जेड और एन को, तो ये पाया गया इसकी जो एनर्जी थी भाई, जैसे हाइड्रोजन की एनर्जी थी वो थी भाई 1312 किलो जूल पर मोल, इस इक्वेशन में पुट करने पर। जब हम जेड दो पुट करेंगे 2 की पावर 2 और एन मान लेंगे 1 का स्क्वेयर, तो 2 की 2 4 हो जाएगा हमारा, 4 जब 1312 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी मिली भाई, 5248 यानी 5248 किलो जूल पर मोल। यानी हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसके लिए एनर्जी ये है, लेकिन जब उसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी गई, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी जो हम किसी एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देते हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके लिए कितनी मिली भाई, 2312 किलो जूल। मतलब सोचा तो क्या गया था, अगर हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना भाई, तो उसके लिए हमें एटम को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 5248 किलो जूल। लेकिन एक्चुअल में जब वो एनर्जी देखी गई तो उसके लिए कितनी मिली, 2372 किलो जूल पर मोल। अब साइंटिस्ट ने सोचा भाई चलो क्या पता है एक एटम के केस में भी ऐसा हो जाए कि इलियम के केस में ये ना फॉलो हो रहा हो, तो उन्होंने नेक्स्ट एलिमेंट को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने स्टडी किया भाई लिथियम को, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, और उसके फर्स्ट सेल के लिए जब उन्होंने एनर्जी निकाली तो वो एनर्जी आई भी 2952। कितनी एनर्जी आई, 2952। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा था, इसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना आउटर वाले को, तब तो इतनी एनर्जी लगेगी, लेकिन ये पाया गया उसके लिए एनर्जी केवल कितनी लग रही थी, 520 किलो जूल। अब जो रिसर्चर थे वो ये सोचने पर मजबूर हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि लिथियम के अंदर 1s2 2s1 है, तो इस 1s ने 2s को कवर कर लिया, शील्ड कर लिया न्यूक्लियस को, जिस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन
1s के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बीच में नहीं होता तो इसको निकालने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती 2952 किलो जूल पर मोल, लेकिन इस वजह से केवल कितनी एनर्जी लग रही है 520 किलो जूल पर मोल। तो यहां से हम दो बातें कंसीडर करके चल सकते हैं। तो क्या है, हेंस वी कंक्लूड, इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया भाई, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट गुड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। कि ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वैल्यूएबल या एग्रीमेंट में नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट कंसीडर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्योंकि इस फार्मूला में कहीं पर भी जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन होता है उसको कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया गया। ये फर्स्ट कंक्लूजन हमने निकाला था। सेकंड कंक्लूजन, इफ वी कंटिन्यू फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स देन 2s1 डज नॉट फील न्यूक्लियर चार्ज सेम एज 1s1। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते चलते हैं तो जो फोर्स 1s फील कर रहा है वो फोर्स 2s1 फील नहीं करेगा। मतलब दोबारा देखेंगे, इफ वी कंटिन्यू फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लगातार इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते रहे, देन 2s1 डज नॉट फील न्यूक्लियर चार्ज सेम, तो जो 2s को जो न्यूक्लियर चार्ज फील होगा वो सेम नहीं होगा। किसकी तरह भाई, 1s1 इलेक्ट्रॉन्स जितना न्यूक्लियर चार्ज फेस कर रहा था, हेंस 1s1 शील्ड एज वेल एज रिपेल। आ गया ना भाई, इसका मतलब 1s1 एक तो शील्ड कर रहा है न्यूक्लियस को, दूसरा साथ के साथ वो 2s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है। क्लियर है? तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड ओनली, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को केवल कब कैलकुलेट किया जा सकता है, व्हेन शील्डिंग इफेक्ट इज कंसीडर्ड। मतलब हमें क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा, एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट को कंसीडर करना करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए फार्मूला दिया गया जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस। कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे निकाल सकते हैं, हम न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर दें शील्डिंग इफेक्ट को, या शील्डिंग कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसको। किसको माइनस कर दें भाई, शील्डिंग कॉन्स्टेंट को। अब जो ऑर्डर था स्क्रीनिंग का वो ये होता भी, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है, एस, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ। क्यों भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग एस क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है शील्डिंग कम होती जाती है। क्लियर है? तो इसके बेसिस पर क्या दिया गया है, स्लेटर्स रूल। मतलब स्लेटर्स रूल बेसिकली हमें क्या कंसीडर करना सिखाता है, जेड इफेक्टिव कंसीडर करना सिखाता है। अब स्लेटर रूल को डिस्कस करने से पहले, इसके रूल को डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। उस एग्जांपल से क्या होगा भाई, आपको स्लेटर रूल और बेटर वे में समझ में आएगा। क्लियर है? उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ये बात 100% आनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑन टिप्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए आपकी, ऑन टिप्स। या फिर वैसे तो एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं एटम के साथ में कि भी इसके लिए बताइए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन अगर कई बार एग्जाम में ना दे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 101% आनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जो ऑर्डर है वो आपको रखना है, कैसे रखना है, 1s अकेला हुआ, फिर दो जो क्वांटम नंबर है 2s और 2p इकट्ठे रहेंगे, 3s 3p इकट्ठे रहेंगे, 3d इकट्ठा नहीं होगा। मतलब s और p को इकट्ठे रखते चलना है, d और f को अलग अलग रखते चलेंगे। कैसे भाई, जैसे ये ऑर्डर मैंने पहले भी बताया था, 1s फिर भाई 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर भाई 4s 4p फिर 4d और फिर 4f फिर 5s 5p फिर 5d फिर 5f फिर भाई आगे
6s, 6p, आगे 6d, 6f, इस प्रकार से जो आप कितनी ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए इसको नहीं भूलेंगे। ये ऑर्डर भाई अगर आपको याद हो गया तो समझ लीजिए आप किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सेलेक्टर्स रूल के द्वारा निकाल सकते हो। अब इस रूल के अंदर भाई आपको पता है, अब सपोज करो भाई मैं पहला जो एलिमेंट लेता हूँ वो ले लेता हूँ भाई, मान लिया हमें जेड इफेक्टिव निकालना है 2p ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए निकालना भाई? 2p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। किसके अंदर भाई? मान लिया उसने दे दिया ऑक्सीजन एटम के अंदर निकालना है। किसके अंदर निकालना है भाई? ऑक्सीजन एटम के अंदर। आपको पता भी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। यानी कि फार्मूला क्या हमारा? जेड इफेक्टिव बराबर है जेड माइनस एस। यहां पर हमें जेड दे दिया गया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। मैं इसलिए बोलता हूं आपको ये जो है ऑन द टिप्स होनी चाहिए एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जेड है, हमें क्या निकालना है? एस, यानी कि स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। अब पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या भाई? 1s2, 2s2, 2p4। या मैं इसको कैसे लिखता हूँ? 2px2, 2py1, 2pz1। ऐसे जो है हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख लेंगे। अब ये हमने जनरल लिखे, अब तक हमने पेयर नहीं बनाए हैं। फिर सेलेक्टर रूल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे भी कैसे? 1s2, फिर 2s2, 2p4। ये हो गया भाई। अब हमें रूल दो तरह से अप्लाई करना है। पहले तो हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, पी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है या एफ ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है एस और पी ऑर्बिटल के अंदर तो इन दोनों के लिए रूल क्या रहेगा? सेम। और अगर डी और एफ के अंदर आ रहा है तो इन दोनों के लिए रूल क्या रहेगा? सेम। लेकिन एस और पी के जो रूल है वो डी एंड एफ में फॉलो नहीं होंगे। मतलब डी एंड एफ के और एस और पी के रूल अलग अलग है। क्लियर है? अब इसने क्या बोला भाई, किस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज निकालना हमें? 2p के लिए। अब 2p क्या है भाई हमारा? 2p4 है, चार इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसके अंदर चार बातें ध्यान रखनी है। अब हम रूल पढ़ते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस एंड पी ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या तो एस ऑर्बिटल के अंदर है या पी ऑर्बिटल के अंदर है। सबसे पहला, नथिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप बियॉन्ड या आउटसाइड द वन ए कंसिडर। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें न्यूक्लियर चार्ज निकालना है हमें उसके लिए कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। मतलब हमने उसको क्या मानना है? जीरो मानना है। जैसे भी 2p4 के लिए इसने बोला है, 2p के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बोल दे तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके लिए वैल्यू हमने ऑटोमेटिक क्या मान लेनी है? जीरो मान लेनी, क्योंकि उसकी तो निकालनी है हमें। अब पी में इलेक्ट्रॉन थे कितने? चार। और एस में कितने थे? दो। टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? छह। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p का हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? दूसरा रूल क्या कहता है? 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप कंसिडर्ड फॉर 1s। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है? जो s और p है, तो हर एक के लिए जो अमाउंट कंसिडर करेंगे वो कितनी अमाउंट कंसिडर करेंगे हमें? 0.35। अगर 1s है तो उसमें 0.35 की बजाय क्या ले लेंगे? 0.30। अब यहां पे देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन तो हमने कंसिडर कर लिया, 3p के अंदर बच गए और 2s के अंदर बच गए, 3 और 2 5। बुक में आपको क्या मिलेगा? अंदर से बाहर की तरफ। मैं आपको क्या तरीका बताऊंगा? बाहर से अंदर की तरफ। तो कितने हैं भाई? 5 × हर एक के लिए वैल्यू कितनी है भाई हमारी? 0.35। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? फॉर नेक्स्ट इनर n-1 0.85 फॉर ए ईच इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके लिए हमने कंसीडर करना था, मान लिया यहां पे n की वैल्यू क्या है? 2। तो नेक्स्ट जो इनर होगा n-1 कोई भी हो वो, तो 1 हो गया भाई, 2 - 1 तो कितना हो गया? 1। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज कंसीडर करना भाई हमें?
0.85 अमाउंट कंसीडर करना है। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए भाई हमारे, दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा आगे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें, मल्टीप्लाई में चार्ज हमारा 0.85, क्लियर है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे भी। अब बताइए ये जो वैल्यू है कितनी आएगी भी हमारी, 0.35 और 2 into ये होगा भी हमारा 5 into 5 25, 1.75, क्लियर है। प्लस ये वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी, 8 into 2 0, 8 into 16 1.70। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई हमारी, 3.45। ये जो वैल्यू है किसकी आ गई भाई हमारी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। ये क्या आ गया हमारा, एस। अब फार्मूला क्या था जेड इफेक्टिव का, जेड माइनस एस, जेड कितना था हमारा 8, माइनस एस कितना आ गया अभी इसके लिए हमारा 3.45, क्लियर है। इसको हम सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा अभी हमारा 4.55। मतलब जो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन फील करेगा चार्ज वो 8 के इक्वल नहीं होगा। जेड माइनस एस कैलकुलेट करके आएंगे तो कितना आएगा अभी हमारा 4.55 आएगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये रूल होगा भाई हमारे किसके लिए, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आता है, एस और पी ग्रुप के अंदर आता है, क्लियर है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन हमारा या तो डी में आए या फिर एफ में आए, क्लियर है। अब सपोज करो भी मैंने आयरन ले लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना भी 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। मैं पहले इसको अरेंज कर लेता हूं क्योंकि मेरे को ऑर्डर याद है अभी, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d6, 4s2। अब यहां पर देखने में क्या लगता है, सर आउटर में तो इलेक्ट्रॉन एस में गया है, ऐसा ही है ना, लेकिन एक्चुअल में भाई डी इनकम्प्लीट है। ये तो ऑर्डर ऐसा है, लेकिन वैसे हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर्गन 18, 4s2, 3d6, ऐसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर ये चूक नहीं होनी चाहिए कि आप ये भूल जाओ कि हमारा ऑर्डर क्या था, क्या था भाई हमारा ऑर्डर क्या था। अब जेड इफेक्टिव निकालना हमें, मान लिया आयरन के लिए, अब जो जेड इफेक्टिव निकालना है भाई, अगर इस तरह का केस होगा तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको जो जेड इफेक्टिव निकालना है वो 4s के लिए निकालना है या 3d के लिए निकालना है। अगर 4s के लिए निकालना हो तो हमारे रूल क्या थे भाई, आउटर में एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक का तो चार्ज लगेगा नहीं, कैसे कर देंगे, 1 into 0.35 प्लस n-1 में, अब इसके n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, डी में 6 हैं, पी में 6 हैं, एस में 2 हैं, तो कितने हो गए, 6, 6, 12 और 2, 14 गुणा में, और एक की वैल्यू कितनी हुई 0.85, थर्ड रूल था भाई हमारा। लास्ट रूल रह गया भाई, एन अमाउंट ऑफ 1 फॉर ईच ऑफ ऑल अदर इनर इलेक्ट्रॉन, कि अगर इसके बाद भी अंदर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना तो हरेक के लिए वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 1 रखनी है। तो अंदर कितने बच गए अभी, 14 ये हो गए, 6 और 2, 8 और 2, 10, तो 10 into 1, क्लियर है। तो ये फार्मूला कब लगाना है, जब हमें क्या यूज करना हो भाई, 4s के लिए निकालना हो, क्लियर है। 4s के लिए एक जो कंसीडर करेंगे उसके लिए मानेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसके लिए 0.35 ले लिया, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 3 वाले, क्योंकि n-1 बोला है, n-1 में क्या आ गया, n था हमारा 4, 4 में से गया 3, तो 3 में 3d भी है, 3p भी है, 3s भी है, तो इनर के लिए वैल्यू हमारी कितनी लेनी थी, 0.85, क्लियर है। और अगर उससे भी अंदर बच जाते हैं तो हरेक के लिए एनर्जी हमारी कितनी लेनी थी, 1 लेनी थी, क्लियर है। तो इनकी जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो सम करो भी इसको, 0.35 प्लस 14 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 14 पंजे 70,
ऐसा लगी सात, 14 6 84, 14 7 98 और 14 8 112, 112 और 7 एसएल के कितना हो गया अभी 119, 11.9 और प्लस में ये क्या आ गया 10। तो इसको सम कर लेंगे अभी, हमारा कितना आ गया 10 और 11 21 और 22.25 आ गया भाई। कितनी वैल्यू आ गई भाई हमारी 22.25। अब Z क्या है, Z इफेक्टिव क्या है, Z माइनस S, Z कितना हमारा 26 माइनस में S कितना है 22.25, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई हमारी 3.75। मतलब जो 4S फील करेगा Z इफेक्टिव वो हमारा कितना आएगा भाई इसका 3.75 आएगा। क्लियर है। इसके बाद भाई आप आसानी से 3D के लिए भी अगर निकालना हो, अब 3D के रूल्स पे आ जाओ। 3D में क्या करना है भाई, रूल 1 and 2 इज सेम एज फॉर S एंड P। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना पड़ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है, 5 के लिए क्या लिखना है भाई इंटू में 0.35, ये दोनों क्या रहेंगे सेम। यहाँ पे सेकंड रूल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब जो अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन बच गए ना, बाहर वाले कंसीडर नहीं करने भाई, क्योंकि हमें 3D का निकालना है, अंदर की तरफ है, 4S तो कंसीडर करना ही नहीं है। 3D में क्या हो गया, जो एक तो कंसीडर करना नहीं, 5 × 0.35 प्लस। अब यहां पे मजेदार बात क्या है, जितने अंदर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना सबके लिए चार्ज एक ले लेना है। देखो भाई सेकंड रूल पढ़ो इसका, वाहिल रूल 3rd and 4th आर रिप्लेस्ड विद रूल दैट ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड 1 each। बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, एक। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, आप काउंट कर लीजिए, इसमें 5 हो गए, ये काउंट कर लिया हमने, 8 8 16 और 2 18 8 × 1। तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई, 5 1.75 प्लस 18, ये क्या आ जाएगा भाई हमारा 19.75। इसमें से माइनस कर देंगे तो इसके लिए जो जेड इफेक्टिव आएगा 26 माइनस 19.75, ये कितना आ गया भाई हमारा 6.25। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो भाई, किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद मैं आपको कुछ जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूं, कमेंट करके आप वो जेड इफेक्टिव जरूर बताएं मेरे को। जैसे पहला जो दे रहा हूं मैं भाई सिल्वर के लिए, सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर हो कितना होता भाई 47। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10 5s1। आपके लिए आसान क्या कर दिया मैंने, इसको ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया है। किसके अंदर लिख दिया, ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो आप कमेंट करके जो सिल्वर है उसके लिए क्या आएगा वो जरूर बताना है। पहला आपने कमेंट करके बताना है कि 5s के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। दूसरा आपको कमेंट करके बताना है 4d के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कितना होगा। क्लियर है। इसके बाद एक एलिमेंट और दे देता हूं मैं कि भाई आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर 30 के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करना है भाई, एटॉमिक नंबर है 30 के लिए। किस किस के लिए बताना आपको इसमें अंदर, एक तो 4s के लिए बताना है और दूसरा 3d के लिए बताना है। क्लियर है। तो ये था भाई आपका सेलेक्टर्स रूल। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे जो बच्चों की जो हेल्प है एक प्रकार से वो उसके, जैसा कि हमारा मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, तो कोई भी बच्चा इस वजह से शिक्षा से वंचित ना रह पाए कि उसको कॉलेज वगैरह के अंदर टीचर्स नहीं मिले, या फिर बहुत दूर थे उन के जो भी हाउसेस थे वहाँ से कॉलेज वगैरह वो जाना पॉसिबल नहीं था, क्लासेस नहीं लगा पाए। तो इस महामारी के दौर में भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, हमसे जो भी हेल्प हो सकती है हम कर रहे हैं, जितना वीडियोज़ हम डाल सकते हैं डाल रहे हैं,
आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।